हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ATS क्लासेस में। RRB JEE के जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, नोटिफिकेशन में पोस्ट पैरामीटर से रिलेटेड उनको बहुत सारे मन में डाउट आ रहे हैं कि सर, जो मर्ज किया गया पोस्ट बिफोर मर्ज और आफ्टर मर्ज, और ये जो कैटेगरी नंबर वगैरह जो दिया हुआ है, इससे का क्या मतलब हुआ। तो पोस्ट पैरामीटर से बहुत सारे डाउट जो है आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। RRB JEE के सारे एस्पिरेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, चाहे आपका BSc फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर से रिलेटेड क्लियर होना है कि डाउट की किस तरीके से जो है आपको कैटेगरी नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। मर्ज जो हो गई है पोस्ट बहुत सारी, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, तीन तीन पोस्ट को जो है कैटेगरी नंबर 3 में डाला गया है। तो जब आप फॉर्म भरोगे किसी भी एक RRB पोर्ट से, तो किस तरीके से ये पोस्ट प्रिफरेंस जो है कैटेगरी वाइज आपका इंपॉर्टेंस होने वाला है। देखो, रेलवे ने क्या किया है कि जितनी भी सारी पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, कैटेगरी नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, लेवल 7 की 2 ही पोस्ट है जो कि गोरखपुर बोर्ड में है, बाकी सारे लेवल 6, RRB JEE लेवल 6 में आता है। इन सभी पोस्ट को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल होगा, देख सकते हो ये इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग मतलब सिविल आपको दिख रहा होगा, मैकेनिकल, उसके बाद आपको यहाँ पे SNT और स्टोर, टोटल उसको 32 कैटेगरी पोस्ट में उन लोगों ने इसको क्लासिफाई करके रखा है RRB JEE की वैकेंसी को। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल 21 RRB बोर्ड है, ठीक है। अब उस 21 RRB बोर्ड में फॉर एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली पोस्ट अहमदाबाद, RRB अहमदाबाद की पोस्ट है, ठीक है, वैकेंसी टेबल है। अब इस RRB अहमदाबाद में आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 4578, तो मतलब कैटेगरी, अभी हम लोग देखेंगे, अभी जब डिस्कस करूँगा, कैटेगरी नंबर 3 भी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी 3 नंबर की वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कोई बंदा फॉर्म भरेगा, ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्म भरेगा, तो वो तो कैटेगरी नंबर 4578 के लिए तो एलिजिबल है ही, और कुछ पोस्ट जो मैकेनिकल की होती है, जैसे CNW हो गई, ठीक है, आपका डीजल मैकेनिकल, आपका डीजल इलेक्ट्रिक करके भी आता है, उस पोस्ट के लिए हो गया, तो उस पर भी वो एलिजिबल होता है। तो क्या होता है कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे अहमदाबाद बोर्ड में, सब एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल का कोई एग्जांपल लेता हूँ, तो सबसे पहले मान लो वो कैटेगरी नंबर 4 का रखेगा, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जनरल सर्विस वाली जो पोस्ट है, हो सकता है उसके बाद वो कैटेगरी नंबर 7 को रखे, फिर वो सपोज मैकेनिकल वाली कोई पोस्ट एक देख लेगा, कैटेगरी नंबर 16 को रखेगा। तो इस तरीके से जो है कैटेगरी की पोस्ट प्रेफरेंस दी जाती है हर एक बोर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि कुछ पोस्ट जो है कंबाइन करके जो है उसको एक जगह पे रखा गया है, जैसे कि देखो यहाँ पे, ये तो 2 लेवल 7 की पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम डिग्री, वो भी डिग्री होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी किसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होना चाहिए या तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। बाकी जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पर जैसे दिख सकता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 3 से लेकर 9 कैटेगरी जो है, सॉरी 3 से लेकर जो 8 कैटेगरी यहाँ पर है, वो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। अब हर एक डिपार्टमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 3 पोस्ट, जैसे डिज़ाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन एंड R&D, इन तीनों पोस्ट को मिला के उन लोगों ने एक कैटेगरी में रख दिया। मतलब कि अगर आप जिस बोर्ड से फॉर्म भर रहे हो, अगर उस बोर्ड में कैटेगरी 3 के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस कैटेगरी 3 में कितने पोस्ट रहेंगे, 3 पोस्ट रहेंगे। मान लो इसको अगर ये तीनों को एक जगह पे नहीं रखते, तो इसको क्या करना पड़ता, इसको 3A बनाना पड़ता, 3B बनाना पड़ता, 3C बनाना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया कि भाई तीनों को एक जगह इन्होंने करके रख दिया। अब उन पर डिपेंड करेगा कि वो किस पे आपको मतलब पोस्टिंग देने वाले हैं, ये समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे जनरल सर्विस है जिसकी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, अब यहाँ पर भी देखो कैटेगरी नंबर 5 इलेक्ट्रिकल जो EMU एंड TRS है, उसको दोनों को मिला के कैटेगरी नंबर 5 में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिज़ाइन हो गया, TRD हो गया और वर्कशॉप हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट के पोस्ट हो गए। अब देखो ये तो कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, तो प्रेफरेंस आपको समझ में तब आएगा ना कि भाई कौन सी पोस्ट की क्या काम रहती है। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ सभी ब्रांच के लिए, बाकी डिटेल तो आगे वीडियो बताऊंगा ही, कि देखो यहाँ पे जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग समझ में आ रहा है कि ये DRM ऑफिस में पोस्टिंग रहेगी आपकी, जो डिवीज़न की हेडक्वार्टर होती है आपकी, डेली 10 से 5 वाली ड्यूटी रहेगी, हर हॉलीडे आपको मिलने वाला है, नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी।
प्रोडक्शन यूनिट में आप जैसे ICF हो गया, RCF हो गया, MCF हो गया, प्रोडक्शन यूनिट में आपको एक अच्छी खासी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। R&D डिपार्टमेंट आपको पता लखनऊ जो कि गोरखपुर बोर्ड RDSO जो वहाँ पर है आपका स्थित है, तो आपको वहाँ पर उसकी पोस्टिंग मिलेगी। जनरल सर्विस का मतलब होता है कि रेलवे के क्वार्टर्स हो गया, चाहे रेलवे स्टेशन में जो लाइट हो गया, या कहीं पर भी रेलवे के किसी भी प्रीमिसेस में अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जाता है तो वो उसको कौन देखेगा? ना उसको देखेगा आपका जनरल सर्विस का कैंडिडेट देखने वाला है। EMU and TRS। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जो आप पैसेंजर गाड़ियाँ देखते हो उसका मेंटेनेंस जो होता है किसी शेड में होता है, ठीक है। TRS का मतलब होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, जैसे WAG 9, WAP 7 जितने भी लोकोमोटिव आप देखते हो इनका भी मेंटेनेंस जो होता है शेड में होता है। तो ये शेड की ड्यूटी, ये 3 शिफ्ट में आपकी यहाँ पे जो है ड्यूटी रहने वाला, तो आपकी जो इसमें जो है शेड में ड्यूटी रहेगी, 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी। तो ये आपकी ओपन लाइन की जॉब होगी। R&D RDSO में पोस्ट है, TRD जो OHE में जो सप्लाई जाती है ये भी ओपन लाइन की पोस्ट होगी। उस OHE को मेंटेनेंस करना जो काम रहेगा, TRD का जो JESSC होता है वो आपको 2 स्टेशन का एक सेक्शन मिलेगा उसके बीच में आपको करना है। वर्कशॉप का आपको पता है एक फिक्स प्लेस में इसकी जॉब होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया थोड़ा सा एक ओवरव्यू कि किस पोस्ट की क्या मतलब जॉब प्रोफाइल होती है, उसके हिसाब से आप अपना कैटेगरी वाइज जो आपकी जिस बोर्ड से आप फॉर्म डालोगे उस पर जो कैटेगरी की पोस्ट आपकी खाली रहेगी उसके हिसाब से आप उसको प्रेफरेंस दोगे। बाकी मैं डिटेल वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसको हम लोग सिविल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जैसे 9 से लेकर आप टोटल यहाँ पे देख सकते हो 14 की कैटेगरी है। ट्रैक मशीन जो होता है इसमें सिविल वाले अलाउ नहीं होते, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट अलाउ होते हैं, बट ये डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का अंदर आता है। इसमें भी देख सकते हो पीवे और ब्रिज जो है कैटेगरी नंबर 9 में रखा गया है। पीवे जो परमानेंट वे जो आपका ट्रैक बनाता है, ठीक है, बिछाता है। ब्रिज जो रेलवे की ब्रिज बनती है। डिजाइन एंड ड्राइंग ये आपकी DRM बिल्डिंग वाली पोस्ट होगी। प्रोडक्शन यूनिट जहाँ प्रोडक्शन होता होगा, ठीक है। उसके बाद वर्क्स डिपार्टमेंट, एक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसे रेलवे क्वार्टर्स हो गया उसका मेंटेनेंस, या स्टेशन वगैरह बनाना हो गया, या किसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर में कोई अगर बिल्डिंग वगैरह कुछ बनाना है तो वो वर्क्स डिपार्टमेंट का काम रह गया, ठीक है। और वर्क्स एंड R&D को भी इन लोगों ने कंबाइन करके कैटेगरी नंबर 12 बनाकर रखा हुआ है। वर्कशॉप की भी पोस्ट रहती है। तो इस तरीके से ये सिविल की जो है पोस्ट है, तो कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल की, ठीक है, तो मैकेनिकल में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कैरिज एंड वैगन एंड R&D डिपार्टमेंट को मिला के इन लोगों ने एक कैटेगरी नंबर 16 में डाला हुआ है। यहाँ पर भी 3 पोस्ट को मिला के इन लोगों ने कैटेगरी नंबर 17 में डाला हुआ है। डीजल शेड कैटेगरी नंबर 18 में है। पावर जो है कैटेगरी नंबर 19 है। बहुत कोई कन्फ्यूजन करता है सर डीजल शेड और पावर में क्या डिफरेंस है। देखो, डीजल शेड हो गया जहाँ पर डीजल इंजन का मेंटेनेंस होता है। पावर का मतलब हो गया आपका जो क्रेन होता है, ठीक है, क्रेन 140 टन क्रेन वगैरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है रेलवे में रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए। तो पावर में जो डिपार्टमेंट रहता है वो उस पर वो काम करता है, ठीक है। डिटेल वीडियो भी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये अभी कंबाइन चल रहा है पोस्ट पैरामीटर, इसलिए सारा चीज़ यहाँ पे एक जगह डिस्कस नहीं कर सकते। प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट इसमें आ जाएगा, चाहे आपका कोच का प्रोडक्शन हो, चाहे व्हील का प्रोडक्शन हो, ठीक है। R&D डिपार्टमेंट जो मैकेनिकल की RDSO की बात कर रहा है, ये भी आपका RDSO है। ये CMT है जो ये BSc वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल के अंडर में ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये भी डीजल सेट में इसकी पोस्टिंग होती है। वर्कशॉप में पोस्टिंग होती है मैकेनिकल की। अब S&T डिपार्टमेंट जो होते हैं भैया, ये इसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल की जो पोस्ट होती है जैसे कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। ट्रैक मशीन में तीनों एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। S&T में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वाले, मैकेनिकल इसमें एलिजिबल नहीं होता। स्टोर डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 3 इयर्स डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कुछ भी करके रखा होगा किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ यही है कि कैटेगरी नंबर बिफोर मर्ज, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन तीनों कैटेगरी को इन लोगों ने मिला के आपने देखा था, अभी कैटेगरी नंबर ओनली 3 रखा है, ठीक है। मतलब 3A, B, C, D 4 को उनको करने की जरूरत नहीं, कैटेगरी 3 मतलब आपके सारे पोस्ट आ जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी 5 जैसे ही बोल दिया, EMU और TRS को मिला के इन लोगों ने सिर्फ कैटेगरी 5 जो है यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी बोर्ड से यहाँ पे फॉर्म भरोगे, देखो जैसे अजमेर बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर जोन होता है। मान लो कि मेरी अभी इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अभी NWR WCR यहाँ पे 2 जोन दिख रहे हैं अजमेर बोर्ड का, अजमेर बोर्ड से मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
कि सबसे पहले मुझे पता चल गया जनरल सर्विस की काम जो रहती है वो क्वार्टर के मेंटेनेंस हो गया, ईएमयू और टीआरएस की जो काम होती है वो शेड में काम होती है, टीआरडी जो ओपन लाइन का काम होता है, ओएचई का जो होता है वर्कशॉप एक फिक्स प्लेस में होता है। तो अब इसमें देखो कैटेगरी नंबर 4457, ठीक है, अब इस पर प्रेफरेंस रखना है। तो सबसे पहले आपको जोन प्रेफरेंस में रखना पड़ेगा, जैसे कि जैसे ही मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एनडब्ल्यूआर को दे दिया, ठीक है, उस एनडब्ल्यूआर में फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी नंबर 4 रख लो या तो कैटेगरी नंबर 7 रख लो। तो जब फॉर्म भरोगे तो ये सब सारा चीज़ आप जब एप्लीकेशन खुलेगी ना तो सारी चीज़ आपको वहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये पोस्ट पैरामीटर का मतलब यही हुआ कि बिफोर मर्ज और आफ्टर मर्ज का मतलब क्या होता है, क्योंकि जितने भी सारी कैटेगरी होती है, जैसे आपने देखा कि अभी इलेक्ट्रिकल को मान लो 3 से लेकर 9 कैटेगरी थे के अंदर में वो आता था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का जो यहाँ पे था 3 से लेकर वो टोटल 9 कैटेगरी में आता है। तो ऐसा तो नहीं ना कि सारे ही कैटेगरी के मतलब किसी बोर्ड में पोस्ट खाली होंगे, नहीं, कुछ खाली होंगे कैटेगरी खाली होंगे तो उसी कैटेगरी को आपको प्रेफरेंस में बनाना है। अब अगला वीडियो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के इन जितने भी सारे पोस्ट है उन सभी पोस्ट का क्या काम रहता है, एक ओवरव्यू आपको पिक्चर के साथ वो अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इंजीनियरिंग का भी उसमें क्लियर करूँगा और मैकेनिकल वालों का भी उसमें सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। और भाई मेरे भाई अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी कमेंट का रिप्लाई कर सकते हो तो दोस्तों को यार हेल्प करना अच्छी होती है, आप वहाँ पर उसको रिप्लाई कर देना अगर कोई कुछ डाउट अगर किसी कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।